हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक पदार्थ द्वारा धारा प्रवाह में अवरोध, अवरोध मतलब होता है रुकावट, रुकावट उत्पन्न करने का गुण विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ द्वारा धारा प्रवाह में अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट, रुकावट उत्पन्न करने का गुण विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। हमने पढ़ा था ओम के नियम से कि वी इज इक्वल टू आई आर। इससे अगर हम आर का सूत्र निकालें, यानी रेजिस्टेंस निकालें, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। इस सूत्र के माध्यम से हम विद्युत प्रतिरोध का एक और डिफिनेशन निकाल सकते हैं, वो क्या है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को, वैद्युत विभवांतर क्या है, भी, और विद्युत धारा यानी आई, इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध यानी कि आर कहेंगे। तो इसका ये एक इम्पॉर्टेंट सूत्र हो जाता है, जिसे हमने ओम के फॉर्मूले से निकाला है। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए पहले हम इसका MKS पद्धति में इसका मात्रक निकालेंगे, फिर SI पद्धति में। तो MKS पद्धति में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा एम्पियर पद्धति में, वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन इसका SI मात्रक ओम होता है। तो चलिए इसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख देते हैं। फ्रेंड्स, हम लिखेंगे कि MKS पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तथा प्रतिरोध आर का SI मात्रक ओम होता है, ओम का सिंबल ऐसा होता है। और फिर हम जानते हैं कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक सामान होता होगा, उसमें कई तरह के प्रतिरोध लगाए जाते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े प्रतिरोध भी लगाए जाते हैं और छोटे छोटे प्रतिरोध भी लगाए जाते हैं। इसलिए बहुत बड़े प्रतिरोधों को हम मेगा ओम में मापते हैं, तथा अत्यंत छोटे प्रतिरोधों को हम माइक्रो ओम में नापते हैं। तो एक मेगा ओम बराबर 10^6 ओम होता है, तथा एक माइक्रो ओम ओम बराबर 10^-6 ओम होता है, ये ओम है। और वैद्युत प्रतिरोध की बीमा ML²T-3A-2 होता है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि वैद्युत प्रतिरोध की बीमा 1 ओम होती है, तो आइए देखते हैं कि 1 ओम का परिभाषा क्या होगा। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि 1 ओम की परिभाषा क्या होती है। 1 ओम की परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि किसी चालक के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। हमने सूत्र क्या पढ़ा, हमने सूत्र पढ़ा कि आर इजकल टू वी अपन आई। अगर हम माने कि 1 ओम जो हमारा विभवांतर है वो 1 वोल्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और जो धारा है इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगर हम माने कि किसी परिपथ में, किसी चालक में 1 वोल्ट धारा प्रवाहित हो रही है, 1 वोल्ट विभवांतर होने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तो आप इस चीज़ से भी इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि वैद्युत चालकता क्या होती है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वैद्युत चालकता क्या होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता है। व्युत्क्रम मतलब अगर R है, R क्या हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि 1/R, 1/R ही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत चालकता हो जाएगा। और वैद्युत चालकता का SI मात्रक मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, वैद्युत चालकता का SI मात्रक मो होता है, मो, MHO, या फिर इसे हम ओम इनवर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और वैद्युत चालकता क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अगर वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसे हम साइमन भी कहते हैं, साइमन भी इसका मात्रक होता है। और वैद्युत चालकता की बीमा क्या होती है, तो वैद्युत चालकता की बीमा होती है M-1 L-2 T^3 A^2, ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रतिरोध के ऊपर हमारा एक छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।